हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना पैंडेमिक से जूझ रही है, जिसके लिए अभी सिर्फ हमारे पास सभी को लॉकडाउन करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन कैसा हो अगर आपको पता चले कि इस क्राइसिस की प्रिडिक्शन आज से 9 साल पहले एक मूवी में कर दी गई थी। ना सिर्फ प्रिडिक्शन बल्कि इस मूवी में दिखाई गई कई बातें आज कोरोना वायरस क्राइसिस से काफ़ी मिलती जुलती हैं, जो कि आपको काफ़ी हैरानी में डाल सकती हैं। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वह 2011 में आई थ्रिलर ड्रामा मूवी है, जिसे कि स्टीवन सोडरबर्ग ने डायरेक्ट किया है। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के लीड रोल में हमें दिखाई देते हैं मैट डैमन, कैट विंसलेट, लॉरेंस फिशबर्न और कई और कलाकार। तो और देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम बेथ होता है। वो एयरपोर्ट पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड जॉन लील से बात कर रही होती है, जिसके साथ वो पिछली ही रात को फिजिकल होकर आई थी। उसके बात करने के साथ ही मूवी में वर्ल्ड के अलग अलग जगहों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लोग कुछ अजीब तरीके से बीमार पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर बेथ अपने घर वापस आती है और अपने हस्बैंड मिच और क्लार्क से मिलती है। अब अगले दिन मिच को क्लार्क के स्कूल से फ़ोन आता है, जिसमें कि उसे उसकी टीचर बताती हैं कि क्लार्क को थोड़ा सा फीवर है। इसमें कि मिच क्लार्क को बताता है कि उसे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ये छोटा सा खांसी बुखार आने वाले कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर बेथ घर पर होती है, वो मिच से बात कर ही रही होती है, इतने में हमें दिखाया जाता है कि वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है और उसे अजीब तरीके से सीजर्स आने लगते हैं। इसे देखकर मिच बहुत ही डर जाता है और वह फटाफट से 911 को कॉल करता है। अब यहाँ पे मिच हॉस्पिटल में बेथ की एलर्जी और सीजर्स के बारे में डॉक्टरों को बताता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद ये दिखाया जाता है कि बेथ उस हॉस्पिटल में मर गई है। जब मिच को ये बात बताई जाती है तो वो एकदम शॉक में आ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ऐसा एकदम से क्यों हो गया है और वह डॉक्टर से इसके बारे में और जानने की कोशिश करता है। लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन लोगों के पास अभी इसका कोई भी जवाब नहीं है, वे लोग इसका जवाब ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही दे पाएंगे। इस पर मिच उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही मिच अपने घर पे पहुँचता है, हम देखते हैं कि क्लर्क की बेबी सिटर ने 911 को कॉल किया होता है और मिच के आने के बाद वह उसे कहती है कि क्लर्क की हालत बहुत ही ख़राब हो रही है और वह बेड पर लेटा हुआ है। इस पे मिच फटाफट से क्लर्क के रूम में जाता है तो वह देखता है कि क्लर्क। अब अगले सीन में हमें डॉक्टर ओरेंटस को दिखाया जाता है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती हैं और वो बताती हैं कि यह अननोन वायरस US, चाइना, जापान के अलग अलग हिस्सों में पाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर मरना स्टार्ट हो गए हैं। और वह बताती है कि शायद इसका सोर्स बेथ नाम की पेशेंट से हो सकता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एरिन और डॉक्टर एलिस दोनों ही इस वायरस के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर एलिस डॉक्टर एरिन को कहता है कि वे बेथ के घर पर जाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें और इस केस के बारे में पता लगाने की कोशिश करें। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिच को हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर को ये शक हो रहा होता है कि शायद बेथ और क्लर्क का इन्फेक्शन मिच को भी इन्फेक्टेड कर सकता है, इसीलिए उसे एक अलग से सेल में रख दिया जाता है। अब जब वो सेल के अंदर होता है तभी वहाँ पर उसकी फर्स्ट मैरिज से जो बेटी होती है जिसका नाम जोरी होता है, वे उससे मिलने आती है। वे दोनों फ़ोन पर बात करते हैं और जोरी मिच को बताती है कि वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है क्योंकि वह क्लर्क के मरने पर यहाँ पे नहीं आ सकी। इस पर मिच उसे कहता है कि इसमें दुखी होने की बात नहीं है, बल्कि शायद इससे उसकी जान बच गई क्योंकि वह इन्फेक्शन उसे भी हो सकता था। अब मिच उसे बताता है कि वह घर जाए और अपने आप को लॉक कर ले। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो डॉक्टर हैक्सटल और डेविड वो एक सिक्योर लैब के अंदर बेथ की बॉडी से मिले हुए सैंपल को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें सैंपल को डॉक्टर एन को भेजना पड़ेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एलिस शीवर CDC के सेंटर में होमलैंड सिक्योरिटी एजेंट के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, जहां पर एजेंट्स उन्हें ये बताते हैं कि शायद ये वायरस किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा हो सकता है, जिससे कि वो आने वाले फेस्टिवल पे लोगों को टारगेट कर सके। उनकी इस थ्योरी को डॉक्टर ध्यान से सुनते हैं लेकिन वो इससे ज़्यादा कन्विंस नहीं हो पाते। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिच को हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया जाता है क्योंकि उसे सेल के अंदर रखने के बाद उस पर उस वायरस के कोई भी सिम्टम नहीं नज़र आते, जहाँ पे डॉक्टर ये पता लगा पाते हैं कि उसकी बॉडी इस वायरस से प्रोटेक्टेड है और वो एक बहुत ही रेयर केस है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एरिन
मिथ से बात करने के लिए आती हैं और वे बैत के बारे में उससे पूछती हैं। यहाँ पे वो मिच को बताती हैं कि बैत जो है शिकागो में रुकी थी। इस पर वह उसे पूछती हैं कि क्या वह यह बता सकता है कि वह शिकागो में क्यों गई थी। तब उसे पता लगता है कि शायद उसकी वाइफ अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी और उसे यहाँ पर यह पता लगता है कि उसकी वाइफ उसके साथ चीट कर रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हैक्सटल और एन डॉक्टर शीवर को इस वायरस के बारे में बताते हैं और वो ये बताते हैं कि ये वायरस बैट और पिक के डीएनए से मिलकर बना हुआ है और जो कि अपने होस्ट की बॉडी में जाकर उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। लेकिन इस वायरस के बारे में और ज़्यादा डिटेल इन्हें अभी नहीं होती है। जैसे ही शीवर को ये बात पता चलती है वह डॉक्टर शशमैन को अपनी लैब बंद करने के लिए कहता है और वो उसे कहता है कि इस वायरस के ऊपर सारी रिसर्च एक सिक्योर्ड लैब में की जाएगी और वह ससमैन को अपने सैंपल डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीवर यहाँ पर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहा होता है जिसमें वह बताता है कि इस वायरस से अभी तक लगभग 80,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और ये आंकड़ा लगभग 2.5 लाख के पार जा सकता है। अब यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है एलन। ये एक ब्लॉगर रिपोर्टर होता है जो कि झूठी झूठी कहानियाँ बनाकर ये साबित करने में लगा होता है कि CDC के पास इस वायरस का ट्रीटमेंट है लेकिन वह लोग एक वैक्सीन को बता नहीं रहे हैं। एलन को लोग काफ़ी बड़ी संख्या में फॉलो करते हैं, उसके लगभग 12 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, इसीलिए उसकी बात को लोग सीरियसली लेना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक नए कैरेक्टर जिनका नाम डॉक्टर ओरेंटिस होता है उन्हें दिखाया जाता है। उनको WHO की टीम हांगकांग भेजती है और उनका काम उस वायरस के पोटेंशियल सोर्स को ट्रेस करना होता है और इस वायरस के पोटेंशियल रीच कहाँ कहाँ तक हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर ओरेंटिस सन फैंग नाम के आदमी से मिलती हैं जो कि उनकी इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करने वाला था। जैसे डॉक्टर ओरेंटिस बैत के फुटेज को चेक करती हैं वह ये पता लगाने में कामयाब होती हैं कि यह वायरस किन किन लोगों में फैल गया है। यहाँ पे संग फैंग डॉक्टर ओरेंटिस को ये बताता है कि उसके विलेज में ये वायरस धीरे धीरे फैल रहा है और इस वायरस से उसकी माँ भी बीमार है। इधर हम ये देख सकते हैं कि डॉक्टर ससमैन ने वायरस को डिस्ट्रॉय करने के जो ऑर्डर्स मिले थे उनको एकदम अनदेखा कर दिया है और वे वायरस के सैंपल पर अपनी रिसर्च जारी रखते हैं। अब मीडिया में इस वायरस को डिक्लेयर कर दिया जाता है जिसको MEV1 के नाम से बुलाया जाता है और इस वायरस की फाइंडिंग के लिए ससमैन को क्रेडिट दिया जाता है। फिर हमें मीडिया में यह बात सुनने को मिलती है कि शायद इस वायरस की वैक्सीन के लिए अभी कई महीने और लगेंगे। इसके बाद डॉक्टर मीयर्स एक स्टेडियम के अंदर वायरस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सेंटर खोलने का सोचते हैं और वे डॉक्टर शिवर को बताते हैं कि उन्हें और ऐसी 3 लोकेशन चाहिए जिन पर वे इसी तरीके के ट्रीटमेंट सेंटर खोल सके। यहाँ पर मिच अपनी बेटी जोरी को लेकर घर पे होते हैं तभी वो बाहर गेट पे नॉक सुनते हैं। जैसे वो गेट खोलने जाते हैं वो देखते हैं वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है एंड्रू। वो जोरी का बॉयफ्रेंड रहता है और वो जोरी से मिलने के लिए अपने साथ फ्लावर्स लाया होता है। मिच होता है कि वह उसे अंदर नहीं आने देगा क्योंकि उससे उसकी बेटी को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, इसीलिए मिच एंड्रू को जाने के लिए कहता है। इस पर जोरी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है लेकिन मिच उसे समझाता है कि उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब डॉक्टर मीयर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन और बाकी सब कामों से अपने होटल में आती हैं तो वह कुछ आराम करने के लिए लेट जाती हैं लेकिन उन्हें कुछ कफिंग की प्रॉब्लम होती है और फिर जैसे ही वे बाथरूम में जाती हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करती हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उनको वो इन्फेक्शन हो गया है क्योंकि धीरे धीरे उस वायरस के सिम्टम्स उनमें नज़र आने लगते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर शिवर को फ़ोन करती हैं और उन्हें बताती हैं कि शायद अब वह उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। इस पर डॉक्टर शिवर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वह उस पर डॉक्टर शिवर कहते हैं कि वह कुछ भी करके डॉक्टर मीयर्स को बचाएंगे। अब यहाँ हांगकांग में डॉक्टर ओरेंटिस बैत को पेशेंट जीरो मानकर अपनी पूरी रिसर्च आगे बढ़ाती हैं। फिर डॉक्टर ओरेंटिस फैंग से पूछती हैं कि उनकी माँ कैसी है। इस पर वह कहता है कि वह मर गई है तो डॉक्टर ओरेंटिस इस चीज़ के लिए उसे सॉरी कहती हैं और वो कहती हैं कि अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है और वह डॉक्टर फैंग को कार निकालने के लिए कहती हैं जिससे कि वे वापस जा सके। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। फैंग उन्हें गन पॉइंट पर साथ चलने के लिए कहता है और उन्हें एयरपोर्ट न छोड़कर अपने विलेज ले जाता है। दरअसल फैंग ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसके गांव में जो भी वायरसेस के पेशेंट रहते हैं वह WHO के साथ वैक्सीन की डील के बदले डॉक्टर ओरेंटिस को वापस देने का प्लान बनाता है। यहाँ पर एलन जो कि रिपोर्टर होता है वो एक अपनी फेक
ब्लॉगिंग वीडियो बनाता है जिसमें कि वो बताता है कि वह उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है और वह एक होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा है और वह लाइव लोगों को दिखाता है कि अगर यह पीने के बाद मैं बच गया तो इसका मतलब यह हुआ कि यह मेडिसिन काम करती है। क्योंकि एलन की फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है तो लोग उसे देख रहे होते हैं और जब अगले दिन एलन उन्हें यह बताता है कि वह अभी भी जिंदा है तो इस पर लोगों को भरोसा हो जाता है कि शायद ये होम्योपैथिक मेडिसिन ही काम कर रही है। इस पर उस होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने के लिए बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाते हैं और जब वो दवाई खत्म हो जाती है तो वहां पर लोगों के बीच में एक टेंस माहौल हो जाता है और इसी बीच में वहां पर झगड़ा चालू हो जाता है और लोग उस मेडिकल की दुकान पर लूट चालू कर देते हैं। ऐसे ही हमें अलग अलग जगहों पर दिखाया जाता है कि लोग रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए दंगे चालू कर देते हैं जिससे कि पूरे शहर में अस्त व्यस्त माहौल बन जाता है। अब हम देखते हैं कि हाइजेनबर्ग और हैक्सटेल अपने मेडिकल ट्रायल जारी रखते हैं। यह लोग मंकीज पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल कर रहे होते हैं और अलग अलग वैक्सीन से वायरस को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उनकी अभी तक बनाई हुई कोई भी वैक्सीन काम नहीं कर रही होती है और उन्होंने जितने भी मंकीज पर वैक्सीन का टेस्ट किया होता है वे सब मर गए होते हैं। यहाँ पे हमें वर्ल्ड के अलग अलग जगहों का सीन दिखाया जाता है और हम देख सकते हैं कि सारी जगह एकदम सुनसान पड़ी हुई है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, जिम हो या फिर कोई भी पब्लिक गैदरिंग वाले प्लेसेस हो, सब जगह एकदम सुनसान माहौल देखने को मिलता है। वापस से सीन फोकस करता है CDC की लैब के अंदर जहाँ पे हैक्सटेल और शीवर बात कर रहे होते हैं। हैक्सटेल शीवर को बताती है कि अगर वायरस की मेडिसिन मिल भी गई तो भी उसे टेस्ट करने के लिए और मेडिसिन को पूरा बनने के लिए काफी टाइम लगेगा और इतने में शायद काफी लोग इससे मारे जाएं। शीवर का फोन कट होने के बाद हैक्सटेल ये नोटिस करती है कि उनकी बनाई हुई एक वैक्सीन जिसका नंबर 57 होता है और वो जो वैक्सीन जिस मंकी को दी गई होती है वह अभी तक इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहता है और वह यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने का सोचती है। वह सोचती है कि वह इस नंबर की वैक्सीन को खुद अपने अंदर इंजेक्ट करेगी और वह देखेगी उसके ऊपर इसका क्या असर होता है। वह 57 नंबर की वैक्सीन को लेने के बाद हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर उसके फादर इन्फेक्टेड होते हैं और वह अपने फादर को बताती है कि उसने उस वैक्सीन का ट्रायल खुद के ऊपर कर लिया है जिससे कि उसके फादर रोने लग जाते हैं। लेकिन इसके साथ वह खुश होते हैं क्योंकि उनकी बेटी पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रही होती है। अब यहाँ पर 2-3 दिन बीत जाने के बाद हमें यह दिखाया जाता है कि डॉक्टर हैक्सटेल पर उस वैक्सीन की मदद से वायरस का कोई भी असर नहीं हुआ है। फिर ये न्यूज़ पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है कि इस वायरस का क्योर मिल चुका है और अब इसके पहले प्रोडक्शन के लिए तैयारियां चालू कर दी जाती हैं जिसे बनाने के लिए कम से कम 90 दिन का समय चाहिए होता है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो डेथ्स होती हैं वह लगभग 26 मिलियन पहुंच चुकी होती है। लेकिन इसके साथ लोग फाइनली इस चीज से खुश रहते हैं कि अब इस वायरस की वैक्सीन तैयार होने लगी है। यहाँ पे सीन फोकस करता है हांगकांग में। यहाँ पे हम देखते हैं कि संगफेंग के विलेज में डॉक्टर ओरेंटिस छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं और फिर उनके पास अथॉरिटी से कॉल आता है। वह लोग कहते हैं कि वह डॉक्टर ओरेंटिस को छोड़ने के लिए 100 वैक्सीन सैंगफेंग को देने के लिए तैयार है और वह डॉक्टर ओरेंटिस को एयरपोर्ट पर लाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैंगफेंग को वह वैक्सीन सौंप दी जाती है और वह ऑफिशियल्स को डॉक्टर ओरेंटिस को हैंडओवर कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलती है। जैसे ही डॉक्टर ओरेंटिस ऑफिशियल के साथ एयरपोर्ट पे आती हैं, उन्हें बताया जाता है कि जो वैक्सीन सैंगफेंग को दी गई है वह इस पर अब हमें वर्ल्ड के अलग अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि अब कंडीशन पहले से थोड़ी अच्छी हो रही है, जो डेथ्स के नंबर होते हैं वह भी कम हो रहे हैं। यहाँ पे फिर से एक बार हमें हैक्सटेल और हाइजेनबर्ग लैब में MBE1 वायरस को लैब में रखते हुए नजर आते हैं और वह उस लैब को बंद कर वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वैक्सीन तैयार की गई थी उन्हें लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया जाता है और उन्हें लॉटरी सिस्टम से अलग अलग डेट्स पर रैंडम लोगों को दे दिया जाता है जिससे कि लोग इस वायरस से बच सकें। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मिच के घर में, जब मिच को ये पता लगता है कि एंड्रू को वो वैक्सीन दे दी गई है, उसके बाद अपनी बेटी जोरी और एंड्रू के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोरी और एंड्रू आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब मूवी की एंडिंग में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि यह वायरस असलियत में फैला कैसे था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस कंपनी में बैथ काम कर रही होती है वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है और वह आसपास ट्रीज को कट कर रही होती है। इसी दौरान ऐसे ही पेड़ काटने के टाइम एक
बैट वहां से उड़कर एक केले के पेड़ पर चला जाता है और वह उस केले के पीस को काट लेता है। और फिर वही बैट उड़कर जब एक पिक फॉर्म पे पहुंचता है तो वह केले का पीस उस बैट के मुंह से गिर जाता है और उसी केले के पीस को वह पिग खा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस पिग को मारकर एक होटल में डिश के तौर पर सर्व किया जाता है और जो शेफ उस पिग को बना रहा होता है वह उसे मारने के दौरान अपने एप्रन से उसका ब्लड पोंछ लेता है और फिर वह बाहर जाकर बैत से मिलता है और बैत के साथ एक फोटो खिंचवाता है और यहीं से इस वायरस की शुरुआत होती है और इसी के साथ इस मूवी को ख़त्म कर दिया जाता है। और इसी के साथ हम कोरोना को इस मूवी से रिलेट कर देखना चाहें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर दिखाई देती हैं, जैसे कि हमें दिखाई देता है कि इस वायरस का ओरिजिन चाइना से हुआ था और इस वायरस के और सारे फैक्टर्स भी जो इस मूवी में डिपिक्ट किए गए हैं वह भी कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस और इस मूवी में दिखाए गए वायरस की आर नॉट वैल्यू भी लगभग एक जैसी सेम है और इस वायरस पर रिसर्च कर रहे डॉक्टर की भी डेथ इसी वायरस से हो जाती है। ऐसा ही हमें कुछ चाइना के केस में भी देखने को मिला था। शायद उस समय डायरेक्टर ने यह मूवी में पोटेंशियल थ्रेट के तौर पर बना दी हो, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यही मूवी आगे जाकर एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और हम आज इस चीज से बिल्कुल जूझ रहे हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस मूवी की सारी प्रेडिक्शन आगे जाकर सच हो, क्योंकि इस मूवी के अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। हम चाहते हैं कि यह मूवी शायद उस प्रेडिक्शन तक ना पहुंच पाए और इसके लिए हम सभी को अपने घरों में लॉकडाउन रहना होगा और जहां तक हो सके अपने और आसपास के लोगों की हेल्थ के लिए हमें जो भी नेसेसरी स्टेप है वो उठाने होंगे। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और ऐसी ही आने वाली मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।